दोस्तों आखिरकार यहाँ पर EPS 95 पेंशन को लेकर सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ आ चुकी है। पेंशनरों की जो मांगे हैं वे पूरी कर दी गई है। सभी को यहाँ पर 7500 प्लस DA सरकार के द्वारा देने की जो घोषणा है वो कर दी गई। क्या है अपडेट दोस्तों जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े ताकि दोस्तों कोई भी जानकारी नॉलेज यहाँ पर छूट ना पाए। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर करें ताकि EPS 95 जुड़ी हर सूचना को सबसे पहले मिल सके और पूरे भारत की जो भी नई नई पेंशन निकलती है उसकी भी अपडेट दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर दे दी जाती है। तो आज की वीडियो हम शुरू कर देते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिना। तो दोस्तों देखिए आज की इसी वीडियो के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि आपकी जो पेंशन है 7500 प्लस DA सरकार के द्वारा जो देने की घोषणा है वो कब की जाएगी और किस तारीख से आपको ये पेंशन है मिलेगी। ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसे दोस्तों हम सभी यहाँ पर जानते हैं EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने हैं तो आप सभी के द्वारा पिछले 4 सालों में यहाँ पर तीसरी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर दिल्ली तक हजारों आंदोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न किए गए हैं और माननीय श्रम मंत्री जी की अपील पर NSE द्वारा यहाँ पर सभी आंदोलन वापस ले लिए गए और केवल NSE के मुख्यालय बुलढाणा महाराष्ट्र का कर्मी अनशन पिछले 715 दिनों से यहाँ पर है अखंडित शुरू है। अब दोस्तों आप सभी ये जानते होंगे कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए तो आपको किस तारीख से ये पेंशन मिलेगी, कि सरकार के द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी तो वो किस तारीख से आपको बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस DA सरकार को देने की जो घोषणा है वह कब की जाएगी तो आप वीडियो को देखते रहिए। हेमा मालिनी संसद से यहाँ पर जो मथुरा की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के NSE प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आश्वासन में संबंधित माननीय मंत्री महोदय दी को यहाँ पर दिशा निर्देश देने के बाद ही 65 लाख वृद्ध पेंशन धारकों की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री पर टिकी हुई है और हजारी जो यहाँ हमारे जो मुख्य मांगे हैं अब शीघ्र ही यहाँ पर पूरी होगी। तो आपकी जो मांगे हैं वो शीघ्र ही यहाँ पर सरकार के द्वारा पूरी कर दी जाएगी। आने वाले बजट सत्र तक या उसके पहले हमारी आपकी जो मांगे हैं वो सरकार द्वारा मंजूर की जाने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों आने वाले बजट सत्र तक आपकी जो सारी मांगे हैं पेंशन को लेकर 7500 प्लस DA जो निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा है वो देने की जो घोषणा सरकार के द्वारा जो बजट सत्र है तक आपकी जो सारी मांगे हैं वो यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पर है ये मान ली जाएगी। आपकी जो पेंशन है वो 7500 प्लस DA सरकार के द्वारा जल्द ही की जाएगी और इस बारे में दोस्तों एक आंदोलन यहाँ पर शुरुआत किया कर दिया गया है जो है मास संपर्क अभियान। ये अभियान दोस्तों लगभग यहाँ पर 7 दिसंबर से लेकर 31 से यहाँ पर जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत भी आपकी जो मांगे हैं पूरी होने के सारे सारे निर्देश यहाँ पर सामने दे रहे हैं कि जो आपकी जो निर्देश है जो आपकी मांगे हैं सरकार समझ रखी थी वो जल्द ही दोस्तों यहाँ पर पूरी होने की पूरी यहाँ पर संभावनाएं बताई जा रही है। ये गुड न्यूज फॉर EPS पेंशनर्स। EPS 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग 7500 बजट 2021-17 से पहले मंजूर किए जाने की पूरी संभावना है। देश के 65 लाख EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी द्वारा देश के 65 लाख EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक मोहित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो दोस्तों जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि देश भर के EPS 95 पेंशन धारकों को एक साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है, जिससे जो EPS 95 पेंशन धारक अभी तक राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ नहीं जुड़े हैं तो वे भी जुड़ सकेंगे। साथ में माननीय कमांडर अशोक राव जी द्वारा कहा गया है कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है 7500 और उसे महंगाई भत्ते के साथ बढ़ोतरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। माननीय कमांडर अशोक राउत जी द्वारा कहा गया है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी आने वाले बजट सत्र तक या उससे पहले EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे को सरकार द्वारा मंजूर किए जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो चलिए जान लेते हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है तो वह क्या है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा महासंपर्क अभियान की घोषणा भी की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक चार्ट भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों को अलग अलग नेताओं मंत्रियों संसद सदस्य प्रधानमंत्री वित्त मंत्री गृह मंत्री सब मंत्री आदि से संपर्क कर EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए महासंपर्क अभियान दिनांक 7/12/2020 से 31/1/2021 तक चलाया जाएगा, जिसके साथ चार्ट आप नीचे देख सकते हैं और डाउनलोडिंग कर सकते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा बताया गया कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करवाना हेतु आप सभी के द्वारा पिछले 4 वर्षों में तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक दिल्ली तक हजारों आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न किए गए।
दोस्तों जैसे कि माननीय सम्मंत्री जी की अपील पर एनएसी द्वारा सभी आंदोलन वापस के ले लिए गए, केवल एनएसी के मुख्यालय बुल्ढाणा महाराष्ट्र का कर्मी कंसर्न पिछले 715 दिनों से एकत्रित शुरू है। दिनांक 4 मार्च 2020 को माननीय हेमा मालिनी जी संसद सदस्य मथुरा की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एनएसी प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन व संबंधित माननीय मंत्री मोदी जी को दिशा निर्देशक देने के बाद से ही 65 लाख वृद्ध पेंशन धारकों की निगाह माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिकी हुई है। ईपीएस रेडियो पेंशन धारकों की मुख्य मांगों पर अब शीघ्र ही पूरी होगी। आने वाले बजट सत्र तक या इससे पहले ईपीएस रेडियो पेंशन धारकों की मांगों को सरकार द्वारा मंजूर किए जाने की संभावना दे रही है। इस प्रक्रिया में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर सहित कई घटकों की अपनी अपनी भूमिका है। हमें विदित है कि हमारे पेंशन धारक भाई बहन दिन प्रतिदिन हमें छोड़कर संसार से विदा हो रहे हैं, इसलिए एनएसी द्वारा हमारी मांगों को शीघ्र मंजूरी करवाना हेतु राष्ट्रीय स्तर महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है। महासंपर्क अभियान का चार्ट प्रसारित किया जा रहा है। कृपया चार्ट अनुसार अपनी अपनी जवाबदारी प्रभावित रीति से संभालते हुए इस महाअभियान में सहभागी होकर इसे सफल बनाएं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।